Hi students, how are you all? We have started your fifth unit and the title of the unit is The Snake and the Mirror. And a doctor is telling us this story. ये story हमें कौन बता रहा है? एक doctor बता रहे हैं. He was living alone in his room and one night where there was darkness everywhere. सब जगह अंधेरा था. हमारे डॉक्टर साहब भी एक छोटा सा लैंप जलाकर बैठे थे. उसने कुछ आवाज सुनी अपने कमरे में, लेकिन ही इग्नोर्ड, उसने ध्यान नहीं दिया. सडनली उसे आवाज आई कि जैसे कोई एक बड़ा वाला पाइप ऊपर से नीचे जमीन पर गिरा. सडनली ही फेल्ट दैट ही वाज कॉट बाय अ स्नेक. एक बड़ा वाला स्नेक है, उसने पूरा कॉइल कर दिया है उसको. He didn't have time to run away. There was darkness everywhere. Our author was looking at mirror and he had made some resolution. उसने कुछ डिसाइड किया था. क्या डिसाइड किया था? आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था, आपको याद भी रखना है कि आपसे मैं क्लीन शेव रखूंगा, छोटी सी मस्टाच भी अपने फेस पे लगाऊंगा और फिर मैं हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखूंगा. और उसने ये भी सोचा था कि मेरी वाइफ जो होगी वो फैट होगी, ताकि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो और हमारे डॉक्टर साहब भाग जाए तो उसके पीछे भाग ना सके. ऐसी स्टोरी डॉक्टर साहब बता रहे थे और आगे देखते हैं क्या होता है. स्नेक आ गया है. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. स्नेक का फेस है हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो ऑथर हैं, उसके कान के पास है. थोड़ा सा मूवमेंट भी वो करेंगे तो स्नेक उसे स्ट्राइक कर देगा, उस पर अटैक कर देगा. डेथ लर्क्ड 4 inches अवे. लर्क इट मीन्स छुपा के बैठना. ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु, उसकी डेथ बस उससे 4 inch ही दूर थी. सपोज इट स्ट्रक, What was the medicine I had to take? अच्छा चलो धार लो कि स्नेक ने अटैक कर दिया, उसने स्ट्राइक कर दिया, उसने बाइट कर दिया, तो मेडिसिन क्या मैं लूंगा? There were no medicine in the room. I was but a poor, foolish, stupid doctor. He was a doctor. पर डॉक्टर है, फिर भी उसके पास मेडिसिन नहीं थी. He was a foolish and stupid and poor doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. Feebly, it means weakly. Badi smile ki usne, lekin with weakness, kamjori ke saath, usne smile kar di. Itni dangerous situation mein bhi usko hansi aa gayi. Kyun hansi aa gayi? Kyunki wo doctor the. अगर स्नेक उस पे अटैक कर देता है, उसको बाइट कर देता है, तो उसके पास मेडिसिन नहीं थी. इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट. फिर ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि गॉड ने मेरा ये थॉट है उसको एप्रिसिएट कर दिया. एप्रिसिएट किया इट मीन्स गॉड ने उसको प्रशंसा की. ऐसा क्यों लगा हमारे ऑथर को, ऐसा क्यों लगा हमारे डॉक्टर जी को? क्योंकि द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड. स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन. अप टिल नाउ द स्नेक वाज लुकिंग एट अवर डॉक्टर, बट नाउ द स्नेक वाज लुकिंग एट द मिरर एंड स्नेक वाज लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन. आई डोंट क्लेम दैट इट वाज द फाइनेस्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर. मैं ऐसा तो क्लेम नहीं कर सकता कि ये एक पहला स्नेक था जो मिरर में देख रहा है, बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर. बट ये बात तय थी कि स्नेक मिरर में देख रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या स्नेक अपनी सुंदरता को एडमायर कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग? ये देखो स्नेक हमारे डॉक्टर साहब के बॉडी के ऊपर से वो कहाँ पे आ गया? टेबल पर.
टेबल के सामने क्या रखा था? मिरर. एंड लुक एट दिस पिक्चर, द स्नेक इज लुकिंग एट द मिरर. वॉज इट ट्राइंग? ये आगे वाला इनकम्प्लीट सेंटेंस है, चलो हम पूरा कर लेते हैं. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टाच और यूजिंग आई शेडो और मस्करा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? सो वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टाच? क्या हमारा ये स्नेक जी है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है, जैसे कि अपने फेस पे मस्टाच ग्रो करना, आई शेडो यूज करना, मस्करा यूज करना और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड? वर्मिलियन इट मीन्स शाइनिंग रेड कलर. तो शाइनिंग रेड कलर का स्पॉट अपने फॉरहेड पर, जैसे हम बिंदी लगाते ना, वैसे वो कुछ लगाना चाहते हैं. ऐसा क्यों सोचा डॉक्टर साहब ने? क्योंकि डॉक्टर ने खुद ने अपना फेस मिरर में देख के कुछ डिसाइड किया था. क्या डिसाइड किया था? कि अब से वो क्लीन शेव रहेंगे और अपने चेहरे पर अभी स्माइल रखेंगे, थोड़ी सी मस्टाच भी वो डेवलप करेंगे. ऐसा डिसीजन हमारे डॉक्टर साहब ने मिरर में देख के लिया था. तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि जैसे कि द स्नेक वॉज ऑल्सो टेकिंग सम डिसीजन आफ्टर सीइंग हिज इमेज on in the mirror. I didn't know anything for certain. What sex was this snake? ये snake की sex क्या थी? Male था और female था? वो भी मुझे पता नहीं था. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept in onto the table and moved towards the mirror. मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फीमेल था कि फीमेल था. वाइंड किया था, इट मीन्स वाउंड किया था, इट मीन्स अपने आप को पूरा लपेट लिया था. इसका ऑपोजिट अनवाउंड. फिर जब स्नेक ने मेरे बॉडी के ऊपर से उसका रिफ्लेक्शन मिरर में देखा, फिर वो उसने अनवाउंड कर दिया मेरे बॉडी ऊपर से. स्लोली वो स्लीदर करके कहाँ पे चला गया? लैप में, मेरे लैप में, मेरे गोदी में चला गया और वहां से वो क्रीप करके टेबल के ऊपर मिरर के सामने चला गया. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. ऐसा मुझे लग रहा था कि वो शायद अपना रिफ्लेक्शन नजदीक से देखना चाहता है. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेटिट्यूड ग्रेनाइट सॉरी A इमेज कट इन ग्रेनाइट, इट मीन्स पत्थर का पुतला बन जाना. अब तक हमारे ऑथर कैसे थे? जैसे पत्थर का स्टेच्यू थे, पुतला थे, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर कौन था? स्नेक था. ही वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग. पूरा बॉडी जैसे ग्रेनाइट का बन गया था, आरएस का पुतला बन गया था. बट अब तो स्नेक अपने उसकी बॉडी के ऊपर से नीचे होकर टेबल पर चला गया, तो अब वो पत्थर का पुतला नहीं थे. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. हार्ड मांस का बना आदमी में बन गया था. तो फिर अब तो वो वहां से भाग सकते हैं ना. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर एंड आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरंडा एंड फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. फिर हमारे डॉक्टर साहब ने क्या किया? वहां से वो कूद कर स्टिल होल्डिंग माय ब्रेथ, अपनी श्वास को, सांस को होल्ड करते हुए, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर पर से खड़ा हो गया. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरंडा, और डोर में से बाहर वरंडा में आ गया. एंड फ्रॉम देयर आई लैप्ड इन टू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. फिर मैं लीप यानी कूदना, उसका पास्ट टेंस है लैप्ड. मैं वरंडा में से वहां से कूद कर दौड़ के चला गया. फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. Heave a sigh of relief, it means मुक्ति का सांस लेना. हम सब ने जैसे sigh of relief ले ली. Somebody asked, doctor, is your wife very fat?
डॉक्टर, क्या आपकी पत्नी बहुत फैट है? किसी ने पूछा। नो, गॉड विल्ड अदरवाइज। गॉड की इच्छा कुछ और थी। माय लाइफ कंपेनियन इज थीन एंड रेडी। तो डॉक्टर ने बोला, नहीं, मेरी वाइफ तो फैट नहीं है, मेरी वाइफ कैसी है? थीन एंड रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो रेडी पर्सन इट मीन्स पतले आवाज वाली व्यक्ति, और वो स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर यानी दौड़वीर, जो बहुत अच्छी तरह से दौड़ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर बोलते हैं। नो, डॉक्टर की तो कोई और ही इच्छा थी। मैं तो अपनी वाइफ फैट चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ तो थीन निकली और वो स्प्रिंटर थी। डॉक्टर, व्हेन यू रैन, डिड द स्नेक फॉलो यू? लेकिन आपकी बात तो अभी पूरी नहीं हुई, आप तो वरंडा में से दौड़ के बाहर निकल गए थे, फिर क्या हुआ, स्नेक ने आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस। मैं कब तक दौड़ा? मैं अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच गया, तब तक मैं दौड़ा। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। स्मेयर इट मीन्स अप्लाई करना, लगाना, मसाज करना। मैंने पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया और फिर मैंने स्नान कर लिया। I changed into fresh clothes and next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move things from there. दूसरे दिन मैं अपने दोस्त और दो तीन और लोगों को लेकर अपने रूम में गया और मैं वहां से मेरी थिंग्स है वो हटाना चाहता था। But we found we had too little to carry. लेकिन वहां जाके हमें पता चला कि बहुत ज्यादा चीज वस्तुएं हमें कैरी करनी नहीं पड़ेगी। Some thief had removed most of my things. क्योंकि वो तो अपना घर खुला रख के चले गए थे। स्नेक था उसके घर में। The snake was looking into the mirror. ये सब देखकर हमारे डॉक्टर साहब तो डर के वहां से भाग गए थे। लेकिन he had not closed the door and that's why the thief had removed most of my things. The room had been cleaned out. जो रूम बहुत ही डर्टी था, गंदा था, वो अब क्लीन हो गया। But not really, the thief had left behind one thing as a final insult. लेकिन मेरी इंसल्ट करने के लिए thief ने एक चीज छोड़ गया था। What was that? तो वो क्या था? My vest, the dirty one. In the beginning of the lesson, हमें ये बताया था कि हमारे डॉक्टर साहब गंदा वाला कोट पहन रहे थे। तो मेरा डर्टी वाला वेस्ट, डर्टी वाला कोट वो छोड़ के चला गया था। The fellow had such a sense of cleanliness. शायद ऐसा लग रहा है कि जो थीफ आया था, जो चोर आया था, वो He had a sense of cleanliness. उसके पास cleanliness का sense था. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. But that stupid person could have used it. वो अगर लेके गया होता तो वो wash करके उसे use कर सकता था. Soap और water से wash करके ये thief मेरा coat use करता था, कर सकता था. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. Did you see the snake the next day, doctor? ये आगे वाला थोड़ा सा repetition है। तो आपने next day snake को देखा? The doctor laughed. I have never seen it since. तब से मैंने snake को नहीं देखा। It was a snake which was taken with its own beauty. Taken with, it means attracted with. ये एक ऐसा स्नेक था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी खुद की ब्यूटी से अट्रैक्टेड था। वेकोम मोहम्मद बशीर, ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। वी अब्दुल्ला की मलयालम स्टोरी में से वेकोम मोहम्मद बशीर ने इस स्टोरी को ट्रांसलेट किया है। तो फाइनली ये स्नेक दोबारा नहीं दिखा गया, क्योंकि
डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि शायद वो अपने आप से अट्रैक्ट हो गया है। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आगे थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, वॉट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, वॉट डिड ही थिंक इट वॉज, हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, वेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप। आपको इसके इसे सोच के रखना है। मैं जब हम मिलेंगे तब आपको आंसर लिखवाऊंगी। What two important and earth-shaking decisions did the doctor take while he was looking into the mirror? याद है आपको? मैंने बोला था जब ये first part आपको करवाया था कि कौन सा two important decision हमारे डॉक्टर साहब ने लिया था? क्या लिया था? याद आ गया? बुक में है, देख लेना। क्लीन शेव रखना और स्माइल करना। लेकिन आपको कैसे लिखना है? ये आपको बुक में से सोच कर आप लिखना। इफ पॉसिबल सेंड इट टू मी ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, सेज द डॉक्टर। अ लिटल लेटर ही सेड आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। वॉट इज द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? ही फर्स्ट स्माइल एंड ही स्माइल्स अगेन। इन वॉट वे डू द थॉट्स चेंजेस बिटवीन एंड वाई? क्यों इसका थॉट चेंज हो गया? क्यों उसने वीकली, फीबली इट मींस वीकनेस के साथ, क्यों ऐसा किया? क्योंकि स्नेक वॉज देयर। द स्टोरी अबाउट फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नैरेटेड इन अ ह्यूमरस वे। फ्राइटनिंग इट मींस डरावना, जो हमें डरा सके ऐसा इंसिडेंट ह्यूमरस वे, हंसी की ह्यूमरस वे से आपको स्टोरी में आपको प्रेजेंट किया गया है। What makes it humorous? इसमें हंसने वाली बात क्या है? आपको ये सोचना है। हाँ, thinking about the text वाला टॉपिक आप हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से आज से हम ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, ये आज का लेक्चर। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे और आगे ग्रामर पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है, मैं करवाने वाली हूँ आपको। आपको अपनी नोट और पेन साथ में रखना है जब नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा और हम लोग ग्रामर का टॉपिक करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। सी यू फ्रेंड।